तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने जो YouTube चैनल है उसको पुरानी ईमेल से ट्रांसफर कर सकते हैं एक नई ईमेल को पर। ठीक है, अगर आप लोगों को अपनी ईमेल में कोई मसला परेशानी हो तो आप उसको दूसरे ईमेल के ऊपर अपने चैनल को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे पुराने जो चैनल होगा, वॉच टाइम होगा, वीडियोज होंगी, कमेंट्स, लाइक, जो कुछ भी होगा वो नई ईमेल पर ट्रांसफर हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो आपको चैनल नजर आ रहे हैं मिस्टर यूट्यूबर, इसको मैं इस चैनल के ऊपर इस ईमेल के ऊपर ट्रांसफर करूंगा। यहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं है चैनल के ऊपर, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये जो मेरे ये वाले सब्सक्राइबर्स है सारे ये 1.76 ये इधर आपको नजर आएंगे। ठीक है, कैसे होगा ये सब कुछ, इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, स्टेप वाइज देखना पड़ेगा सारे। अगर आपको फिर भी कोई मसला परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, क्योंकि मैं इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो डेली बेसिस पर इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आपने करना क्या, सबसे पहले कि आपने एक अपना जो ओरिजिनल ईमेल है, ठीक है ना, ओरिजिनल चैनल आपने इसको ओपन करने मेरी तरह। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने यहां पर अपने आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं सेटिंग्स का आपके पास एक बटन नजर आ रहा है, आपने इस सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसी को फॉलो करने, अगर बाद में कोई मसला बने और आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो ना किया तो मैं इस बात का बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, तो आपने करना कि जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ साथ साथ करते जाएं। उसके बाद आपने यहां पर आपको नजर आ रहा होगा जी क्रिएट चैनल स्टेटस एंड फीचर, क्रिएट अ न्यू चैनल और व्यू एडवांस सेटिंग। अब यहां पर इस जो हमारे ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें हमें एक ब्रांड अकाउंट चाहिए होगा। ठीक है ना, ब्रांड अकाउंट आपके पुराने ईमेल के अंदर ही बनेगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले हम ब्रांड अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बाकी प्रोसेस करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहां पर जो सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट अ न्यू चैनल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है तो आपका एक ब्रांड अकाउंट बनेगा। ठीक है, आप एज आप ओनर होंगे लेकिन आपका एज ए मैनेजर बनेगा। यहां पर इसको हम लोग जी कोई भी नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं जी के हम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद इसको नाम दिए, क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके पास एक जो मैनेजर होगा, ब्रांड अकाउंट होगा, वो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो मेरा पुराना ईमेल है, ठीक है ना, जो पुराने ईमेल इसके अंडर मेरे पास दो यहां पर चैनल आ गए। ठीक है, एक मिस्टर यूट्यूबर पहले से था और अभी एक जो मैंने नया बनाया पाकिस्तान जिंदाबाद, एक मेरे पास वो आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसी ब्रांड अकाउंट को यूज करते हुए ना हम लोग अपना चैनल आतिफ शाह वाले जो ईमेल होगी ना उसके ऊपर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अब यहां पर आपने करना कि आपने दोबारा उसी तरह अपने आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी दोबारा सेटिंग के ऑप्शन पे आना है। ठीक है, यहां पर अब आपने क्या करना है, यहां पर जो एडवांस सेटिंग आपको नजर आती है क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं जी आपके पास एक आपका डिफॉल्ट चैनल जो होता है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं जी मिस्टर यूट्यूबर। ठीक है, जो तो आपका ओरिजिनल चैनल थे, आपने एक पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से जो चैनल बनाया है वो आपके पास एक ब्रांड चैनल था। ठीक है, अब हमने करना कि मूव चैनल के ऊपर हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मूव चैनल टू ब्रांड अकाउंट, तो उसमें आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या प्रोसेस आता है। यहां पर अब आपसे पूछ रहे कि वाकई आप ये जो आप सेटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपने अपना पासवर्ड डाल लेना है। दोस्तों, हमने पासवर्ड डाल लिया, हमने यहां पर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको वेरीफाई कर लेगा और उसके बाद हमें जो भी सेटिंग आगे बताएगा तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं जी अकाउंट ट्रांसफर के जो सेक्शन है हमारे पास मूव यूर चैनल टू डिफरेंट अकाउंट, इसमें यहां पर अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करें तो चूज एन अकाउंट टू मूव यूर चैनल, ठीक है, टू, तो हमने किस पे ट्रांसफर करना अपने ओरिजिनल चैनल को, तो यहां पर हमारे पास एक ही चैनल है। ये ज्यादा चैनल भी हो सकते हैं, ठीक है, आप ज्यादा ब्रांड अकाउंट भी बना सकते हो, उसमें फिर आपकी मर्जी होगी, आपके पास ज्यादा ऑप्शन आएंगे। तो यहां पर मेरे पास एक ही ब्रांड अकाउंट है, मैं क्या करूंगा रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, आपने डिलीट चैनल के ऊपर ही क्लिक करना है। इससे ये होगा कि आपको जो पुराना चैनल होगा उसके जितनी भी सब्सक्राइबर्स हमारे पास होंगे, कमेंट्स होंगे, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिप्लाईज होंगे, थंबनेल्स होंगे, जो कुछ भी होगा, ठीक है, वॉच हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री होगी, वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा और आपके जो पाकिस्तान जिंदाबाद चैनल है इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग करते हैं डिलीट चैनल के ऊपर क्लिक। ठीक है, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं जी यूट्यूबर जो था मिस्टर वो बिल्कुल खाली होगा, यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के ऊपर 1760 सब्सक्राइबर्स आ गए। ठीक है, हमारे पास उसमें वीडियोस और प्लेलिस्ट नहीं थे, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जी, और आपने क्या करना है मूव चैनल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहां पर हमारे पास देख सकते हैं योर चैनल हैज बीन सक्सेसफुली मूव, ठीक है ना, और इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे तो आपका ये जो चैनल है ये यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास पाकिस्तान जिंदाबाद में 1760 सब्सक्राइबर आ चुके हैं और जो मिस्टर यूट्यूबर था इसमें हमारे पास 9 चैनल, ठीक है ना, इसका चैनल परमानेंटली डिलीट हो गया। अब हम जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद वाले चैनल के अंदर,
जो हमें जिसमें हमने ब्रांड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए थे। असल में ये सारी जो गेम होती है ये ब्रांड अकाउंट के थ्रू होती है, ठीक है। यूं समझ ले कि दरमियान में पुल बना है, एक तरफ हमारे पास ओरिजिनल हमारे पास चैनल है, एक वो जिसके ऊपर हमने ट्रांसफर करना है, और बीच में ब्रांड अकाउंट को यूज करके हम लोग अपना चैनल मूव करेंगे। दोस्तों यहां पर आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है, आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे आपने अपने यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो में जाने और आपने जैसे पहले परमिशन अलाउ कर देते हैं ना, आपके पास 100 जो सेक्शन है उसमें आपके पास एडिटिंग हो चुकी होगी, और आप वहां से परमिशन हम लोग इसको अलाउ करेंगे और नए ईमेल डालेंगे, वहां से हमारे पास ये सब कुछ होगा। यहां पर आपने करना है कि यहां पर सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आपने आना है, और यहां सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर जैसे आएंगे हमारे पास तीसरे या चौथे नंबर पर परमिशन का बटन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं परमिशंस का बटन हमारे पास आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कीप मैनेजिंग परमिशन इन योर ब्रांड अकाउंट। हमने क्या करना है, मैनेज परमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे हम जैसे ही, तो हमसे ये एक नया ईमेल मांगेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है ना, ये हमारा अकाउंट है, जो ब्रांड अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपने मैनेज परमिशंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप जो हमारे पास मिस्टर यूट्यूबर थे, ये प्राइमरी ओनर था, ठीक है, जिसके साथ इसका ब्रांड अकाउंट है पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इनवाइट अ न्यू पर्सन, यहाँ पर जिस बंदे को जिस ईमेल पे हमने ट्रांसफर करना है वो वाले ईमेल यहाँ पर हम लोग डालेंगे। तो चलिए ईमेल डाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने ईमेल डाल लिया, ठीक है ना, आपने सोच समझ के ईमेल डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने चूज अ रोल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर मैं ओनर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसको इन्वाइट करूंगा। अब जिस बंदे को मैंने जिस ईमेल पे ये मैंने किया तो वहां पर हमारे पास एक मेल चली जाएगी, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, ये आपके पास आपने क्या करना है, इसको आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ये जो ईमेल होगी ये ओनर बन जाएगा। हम लोगों ने अपने इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां पर आपने क्या करना है, डन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। यहां पर अब हमने क्या करना है, इसको अगर हम लोग यहां पर करें रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जो आतिफ शाह के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद जो हमारा था वो यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। ये आप ईमेल देख सकते हैं, तो ठीक है आपने प्यार क्या करना है, परमिशन को रिमूव करना, और यहाँ पर आप लोग साइट पर ईमेल देख सकते हैं। ये ईमेल मेरे पास आतिफ शाह वाली ईमेल पर, ये जो बिल्कुल मेरी न्यू ईमेल थी उसमें यही लिखा हुआ है कि आप लोग इस चैनल के ओनर बन चुके, ठीक है। तो अब आपके दो ओनर है इस वक्त, एक आतिफ शाह जो नई ईमेल है, एक पुरानी ईमेल है। तो आपने नई ईमेल से जाके पुराने वाली ईमेल को रिमूव कर देना है, इस तरह आपको जो चैनल होगा वो पुरानी ईमेल से नई ईमेल के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे, इसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, अगर आप कोई भी मसला परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर भी मुझसे राबता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक और वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।